नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। उत्तराखंड पुलिस की सीपीयू हमेशा से विवादों में रही। शहरों की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वर्ष 2014 में सीपीयू का गठन किया गया था, लेकिन इसके बाद से सीपीयू पहले देहरादून में विवादों से घिरी रही, इसके बाद हरिद्वार और फिर जहां भी इसकी तैनाती हुई वहां इसका विवादों से नाता नहीं टूटा। ताजा मामला उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां इंदिरा चौक पर एक बाइक चालक अपने दोस्त के साथ इंदिरा चौक से बाइक में पेट्रोल भराने के बाद घर लौट रहा था। तभी इंदिरा चौक पर वाहनों की चेकिंग कर रहे सीपीयू कर्मियों ने उसे रोक दिया। कागज मांगने पर दोनों में बहस हो गई। सीपीयू कर्मी ने बाइक की चाबी निकाल ली। आरोप है कि युवक आगे बढ़ा तो सीपीयू कर्मी ने उसे रोकने की कोशिश तो की, सीपीयू कर्मी के हाथ में पहले से मौजूद चाबी की युवक के माथे में जा घुसी। चाबी के माथे पर सीपीयू के चेकिंग के दौरान चाबी घोंपने के बाद सामने आने पर हंगामा हो गया। आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने कोतवाली आगे NH-87 में जाम लगा दिया और पुलिस और सीपीयू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने हल्ला बल प्रयोग करके उन्हें रोकने की कोशिश की तो पब्लिक और भड़क गई और पुलिस कर्मियों और कोतवाली पर पथराव कर दिया। पथराव में एक पुलिस कर्मी चोटिल हो गया, जबकि कोतवाल और बाजार चौकी इंचार्ज को पत्थरों से बचने के लिए भागना पड़ा। विधायक के मौके पर पहुंचने और आरोपियों पर कार्रवाई की बात पर भीड़ शांत हुई। देर रात SSP ने सीपीयू दरोगा समेत 3 सीपीयू कर्मियों को निलंबित कर दिया। CO अमित कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर सीपीयू कर्मी के खिलाफ धारा 323, 325, 504, 506 IPC के साथ ही SC/ST एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की खास रिपोर्ट। बोली, क्या वारदात क्या हुई थी? ये मैं लेकर आ रहा था उसे। अच्छा, आप अपनी बाइक लेके आ रहे थे? उसने मुंह पे ये समारा इधर से। ये सीपीयू वाले ने आपके मतलब घुसा मारा है ऐसे करके चाबी फंसा के? ये कहाँ की बात है? ये पेट्रोल पंप की, इंदिरा चौराहे पेट्रोल पंप की, सीपीयू ऑफिस के सामने। ठीक ठीक ठीक।